लेकिन फीस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हज कमेटी ऑफ इंडिया में। यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हम देते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मीन्स हम जब कोचिंग के लिए बच्चे को यहाँ रखते हैं तो उनसे किसी भी तरीके से कोई फीस नहीं ली जाती। उन्हें जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है या जिन भी कोचिंग से वो कोचिंग्स लेते हैं तो वो हज कमेटी ऑफ इंडिया बियर करती है। किसी भी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। एक चीज़ का चार्ज लिया जाता है, वो है खाने का, जैसे मेस के चार्जेज आप करते हैं। उसका प्रोसेस ये है कि हम एक टेंडर कॉल करते हैं और उसमें पर हेड जो भी खर्चा वो टेंडर हमें बताता है तो उसमें से 1500 रुपये हम उस बच्चे को हर महीने एक काइंड ऑफ सब्सिडी देते हैं और उस सब्सिडी में कोई भी कमी नहीं की गई है और वो कॉन्टिन्यू है, वो अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो कोई फीस बढ़ाने जैसा जो मामला है, मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन है, गलत प्रचारित चीज़। लेकिन ये जो बाहर एक माहौल बनाया जा रहा है, जो बाहर एक रूमर्स विशेष करके सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, तो कुछ आप एक अस्पष्ट शब्दों में लोगों को कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आज जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो इसी सिलसिले में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ आई, बहुत सारे प्रतिवेदन आए, माननीय मंत्री जी को भी बहुत सारे MPs ने और महाराष्ट्र के विधायक और इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने और बहुत सारे एक्टिविस्ट ग्रुप ने भी चिट्ठियाँ लिखी, अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हमको, आए भी। तो उससे जो चीज़ निकल के आई, वो जो समझ में आया वो ये है कि कुछ इल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड की जा रही है, वो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हैं या किसी नेक्सस की वजह से हैं, आई डोंट नो। और उन्हीं के रिगार्डिंग हमने सोचा कि ये बातें लोगों को बताई जाएं कि किसी भी तरह से सीट में कोई कमी नहीं की गई और ना ही कोई फीस बढ़ाई गई है। और एक इशू और आता है, वो जो मुझे लगता है जिसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है, कि रिपीटीटर्स जो होते हैं उनके संदर्भ में है। हमारा जो प्रोग्राम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 1 साल के लिए होता है और 1 साल तक हम बच्चे को पूरी तरह से अपने साथ रखते हैं और उसे ये उम्मीद करते हैं कि अब वो जिस प्लेटफॉर्म को उसने पाया है, जो सुविधाएं पाई हैं, उसको यूटिलाइज करेगा और आगे बढ़ेगा। यही बच्चा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बच्चा पहली बार में सफल नहीं हो जाता, कुछ लोग तीसरी बार में होते हैं, कुछ चौथी बार में होते हैं, कुछ कई बार होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ा हुआ बच्चा जितनी बार भी मेंस देता है या इंटरव्यू में अपीयर होता है, वो जब भी यहाँ आता है उस ड्यूरेशन में जब वो मेंस दे रहा होता है या इंटरव्यू दे रहा होता है, तो हम उसे वो तमाम सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग है या इंटरव्यू की तैयारी कराना है, टेस्ट सीरीज देना है, ये सब देते हैं। और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कि वो एक ही बार रहेगा। हाँ, हमारा बस उद्देश्य ये रहता है कि हम किसी बच्चे को कंटिन्यू नहीं करते। 1 साल के बाद उस बच्चे से उम्मीद की जाए कि वो आगे बढ़ेगा और फिर जो उन्हीं के भाई बहन या हमारे भाई बहन छोटे, वो फिर आएंगे।